डीडवाना भगवान परशुराम जन्मोत्सव को लेकर 3 दिवसीय कार्यक्रम की तैयारियों के स्वरूप एक मीटिंग का आयोजन हुआ, जिसमें अलग अलग कार्य हेतु टीम गठित की गई और सभी को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई। वही जानकारी देते हुए बताया गया है कि 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित होंगे, जो 21 अप्रैल से 23 अप्रैल तक आयोजित किए जाएंगे, जिसमें 23 अप्रैल को विशाल शोभा यात्रा का आयोजन भी किया जाएगा, जो झालरिया मठ से सुबह 9 बजे आरंभ होकर नागौरिया मठ में जाकर सम्पन्न होगी। इसी अवसर पर मीडिया से मुखातिब होते हुए इकाई अध्यक्ष अशोक गौर बरदेव शर्मा, प्रदेश महामंत्री एवं शिक्षक संघ के विशाल सिखवाल ने जानकारी प्रदान की। कार्यक्रम की रूपरेखा को लेकर संरक्षक ओम प्रकाश गौर, युवा अध्यक्ष नरेश उपाध्याय, महामंत्री योगिराज पाठक, जिला सदस्य लोकेश पारीख, विजय आसोपा, ललित गोपा, विनोद शर्मा आदि उपस्थित रहे। 21 तारीख को महिला द्वारा मेहंदी प्रतियोगिता, संगीत और गायन गौड़ भवन में रखा गया है, जिसके लिए अलग अलग यजमान बनाए गए हैं। और 22 तारीख को गौड़ भवन में हवन का प्रोग्राम है, जिसमें गौड़ भवन का ट्रस्ट द्वारा संपूर्ण करता उसमें भी पूरा योगदान गौड़ भवन का रहेगा। और बाकी 23 तारीख को जो प्रोग्राम है शोभा यात्रा का, उसमें दादिया मंदिर से नागौरिया मंदिर तक खिड़की दरवाजा तापड़िया की दुकान के पास से नागौरी गेट होते हुए चौकंडिया घर के पास एक गली में रघुनाथ जी मंदिर नरसिंह चौक होते हुए नागौरिया मंदिर समापन स्वामी जी के चरणों में जानकीनाथ मंदिर में। यह हमारा प्रोग्राम है, जिसमें मीडिया का, विप्र बंधुओं का, सभी का, डीडवाना तहसील का, सबका पूर्ण सहयोग है। और विप्र बंधु के जितने भी कार्यकर्ता हैं, वो गाँव गाँव ढाणी ढाणी जाके प्रचार प्रसार में कोई प्रकार की कमी नहीं रखी है, उसके लिए मैं सब साधुवाद और धन्यवाद। भगवान के जन्मोत्सव को लेकर पूरे विप्र समाज में बहुत ही जोर शोर से तैयारियां कर रहे हैं, सभी में जोश भरा हुआ है और सभी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और डीडवाना ही नहीं, पूरे डीडवाना तहसील के आसपास के सभी गांव में युवा की अलग अलग टीम बनी हुई है और प्रत्येक गांव में जाकर प्रत्येक ब्राह्मण के घर में निमंत्रण पत्र दे रहे हैं, पीले चावल दे रहे हैं और शोभा यात्रा में अधिक से अधिक संख्या में आने के लिए आह्वान कर रहे हैं। 3 दिवसीय ये कार्यक्रम में हम सभी की यही इच्छा है कि भगवान परशुराम का ये एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हो, जिसे कि सभी याद करें। और पूरी डीडवाना तहसील में एक ऐसा कार्यक्रम हो रहा है, जो कि 3 दिन, पहले दिन महिलाओं के लिए प्रतियोगिता है, दूसरे दिन हवन का कार्यक्रम है, जिसमें 15 जोड़े सह प्रतिनिधि हवन में बैठेंगे, जिसकी व्यवस्था पूरा गौड़ भवन कर रहा है। और तीसरे दिन शोभा यात्रा जो झालरिया मंदिर से शुरू होकर नगर के प्रमुख मार्गों से होकर फिर नागौरिया मंदिर में समापन किया जाएगा।